तो आइए ये खास मुकाबला है मैच नंबर 20 बिटवीन एनए एकेडमी एंड केआर स्पोर्ट्स। मुकाबले के YouTube मौजूद हैं, कहेंगे कि आइए विशल बच चुकी है, पहली रेड केआर स्पोर्ट्स लगा दीजिए। पहली रेड पर कौन आ रहा है केआर स्पोर्ट्स के लिए? नंबर 4 जर्सी, अच्छी टर्न, पहली रेड में शार्प टर्न आपको सूर्य प्रकाश, जिन पर आज कैप्टनसी का भी बोझ होने वाला है। पर ना आपने अक्सर वहां पर अगर हम बात करें तो आपको बतौर रीडर एज अ कैप्टन ज्यादा एक अच्छी चॉइस नजर आती है या फिर एज अ डिफेंडर एज अ कैप्टन? It's a little tough, right? You can see in KR Sports, it's only been one player that's really been pulling the load, and that's Ganganath. They really all have to perform on whatever role they have been given right now, even if it's a captain or a non-playing a captain who's on the bench. A lot of things have to change, but Jagan Shanmugam has been tackled, and that is the first point that comes in KR Sports way. They have a good start. They have shown that they are capable of playing together and picking up those points. Stability भी दर्शाते हैं, अपनी अच्छी power इनके legs thighs में मौजूद है। अब M धनसिंगर हैं, ये mighty player हैं। Number 17 jersey, बिल्कुल opponent team के लिए वहाँ पर हमेशा खतरा लेकर आते हैं। 42 rates लगाए, 26 touch points हैं, 2 bonus points हैं, ये इनके इस edition के stats हैं। Dhanasekar is very athletically built and he's quick with his feet, but he has picked up a touch point and that was fairly fast. It was like शायद कवर डिफेंडर को कि उनके ऊपर ऐसा अटैक आएगा, यही होना चाहिए बतौर कबड्डी खिलाड़ी आप में। इस बार डू और डाई रेड है, क्योंकि इससे पहले केआर स्पोर्ट्स के रेडर्स 2 एम्प्टी रेड लगा चुके हैं। अब एम सूर्यप्रकाश बतौर कप्तान भी आज खेल रहे हैं, इनके ऊपर से बेदारियां हैं। 2 टच का प्रयास किया, ज्यादा अंदर नहीं गए, वॉक लाइन पर खेला है, कवर का अटैक आया है। देख लिया था एन एकेडमी ने कि थोड़ा सा यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं सूर्यप्रकाश। राइट कवर अरुण कुमार अरुमुगम गए, साथ में उनके कार्तिक। तो 5-1 के गंगानाथ अब इस बार रेट पर हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच वहां पर एम धनसेकर से नजर आई है, क्या वैसी अप्रोच जो है, वैसा इंटेंट जो है वो क्या किया स्पोर्ट्स के गंगानाथ से नजर आ पाएगा? 3 डू और डाई पॉइंट प्रति मुकाबले में अभी तक का इस एडिशन में हमें देखने को मिला है ऑन एन एवरेज। बट के गंगानाथ बोनस का प्रयास था, देखिए जब तक आप प्रयास करेंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं, और जब आप प्रयास करेंगे लगातार प्रयास करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और इस बार वो मिला है। इससे पहले के गंगानाथ की अप्रोच थोड़ी सी कैजुअल थी, इस बार राइट कॉर्नर पर अटैक करने गए, राइट कॉर्नर उनके ऊपर एंकल होल्ड करने गए, बोनस भी मिला प्लस 2 टच पॉइंट मिले, इसका मतलब है वेलमल सुपर रेड मिली। Gautam Maheshwaran actually went for is Ganganath with 4 defenders on the mat. Can he pick up a touch point? He's a very tall player with a good reach. He's attempting for 10 touches right now. Maybe he can use a bit of toe touches as well if he's able to get down low. अच्छी रीच है, लंबे खिलाड़ी हैं, मिड लाइन की तरफ भी थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। फोर्स भी बहुत अच्छा है के गंगानाथ, बिल्कुल फोर्स भी बहुत अच्छा है। राइट कॉर्नर ए अरुण का वहां पर अटैक आना जा रहा था, पहले एंटी ब्लॉक किया, बीच में से गैप को देख लिया और उसके बाद 2 टच पॉइंट्स बिल्कुल ले गए, और के आर स्पोर्ट्स इस मैच में अब लीड पर आती हुई अपर्णा एनए अकेडमी के विरुद्ध। गंगानाथ हैज सिंगल हैंडेडली मैनेज टू पिक अप the pace and get his team up ahead, and you can see how he's bulldozing his way despite the fact that 4 clear raids from Dhanasekhar to level the scores and take it up from there, but Ganganath needs to be stopped. That is a worrying point. भरत अनवी को अंदर बुलाया गया है, गौतम मतीश्वरन को बाहर भेजा गया है, लगातार उन्होंने 2 हाई फाई बनाए, उसके बावजूद उन पर अभी थोड़ा सा विश्वास कम दिखाया गया है, थोड़े से चोटें नजर आ रहे हैं वहां पर राइट कॉर्नर। बट लेफ्ट कॉर्नर क्या लीथल बैकवर्ड वहां पर नजर आया, पूरी तरह से अपने पकड़ में फंसा लिया, चंगुल में जकड़ लिया, लेफ्ट कॉर्नर दीपक शंकर वहां पर मौजूद। ब्लाइंडली भी चले गए थे पर ना, ब्लाइंडली वहां पर किक करने चले गए थे लेफ्ट एंड पर, उन्होंने देखा नहीं था कि लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन क्या है। तो सूर्य प्रकाश थोड़ा सा यहां पर अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए। एम धनसेकर राइट कॉर्नर का उनके ऊपर अटैक आया, एम धनसेकर कमिट कर रहे हैं कि मुझे यहां पर 2 पॉइंट तो कम से कम मिलने चाहिए, और बिल्कुल राइट कॉर्नर रेड एंड दो सुपर रेड्स आर कमिंग इन सक्सेशन फ्रॉम दैट राइट कॉर्नर, वन एस्केप देन अ टच पॉइंट एंड अ डीप बोनस। A very, very tall defender on the corners or in that position might be a little hard for them to actually escape, because in that position, especially the cover positions, if the defenders are very tall, it's harder for them to get back. But here he's bulldozing his way and Dinesh picks up that point for NA Academy. Bonus plus 1.
तो दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति ने भी अपना खाता यहाँ पर खोल दिया है, आ सकती है। And these two players are going at each other, and the scores are, it's like a ding-dong battle at this point in time, 15-14 in favor of KR Sports. Dhanashekar is on the mat. Can he escape? No, but this time they have made sure that they're able to pin him down, and you can see how the team is applauding the defensive effort of Divakaran for having initiated that tackle brilliantly done. It was like a chakravyuha, so he couldn't really escape from that. You can see from where the attack is coming. बिल्कुल, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पहले जल्दी आया, उसके बाद पूरा डिफेंस वहां पर अटैक करने आया। एंड इट्स ऑलमोस्ट हाफ टाइम, बट देयर इज टाइम फॉर वन मोर डू ऑर डाई रेड, एंड दिस टाइम केआर स्पोर्ट्स सूर्यप्रकाश कम्स इन विद फाइव डिफेंडर्स ऑन द मैट, प्रेशर इज ऑन हिम, सो इट वुड मेक सेंस, विल ही गेट टैकल्ड, व्हाट, दिस इज इनक्रेडिबल, दे शुड हैव कम फॉर हेल्प अर्लियर ऑन इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड यू नो चेंजिंग देयर माइंड्स एंड मेकिंग दिस एन इजी पॉइंट एंड एस्केप टू गेट अवे विद वन और टू। यू कैन सी दैट एंकल होल्ड, चेंज द कोर्ट, एंकल होल्ड आया था, थोड़ा पहले सपोर्ट की आवश्यकता थी, वर फ्लैट लाइंस ऑन ईदर साइड, इट जस्ट हैपेंड टू क्लच एंड कमिंग बैक अगेन इज दिनेश कुमार, 108 points so far, 264 raids and 92 touch points and 16 bonus, 41% rates, strike rate, but has he been tackled or has he escaped? We'll have to see, this is a close call, there was a back hold similar to a dash as well, but no, he is out. S. Manikandan escape lane, instead was a solo dash that didn't work out in their favor. Just two people on the mat. Jagan Shanmugam tries to see if he can revive one or pick up a bonus. Jagan chahenge revival bilkul mile, but KR Sports kahegi ki hum hamare haathon se hamari pehli jeet nahi jaane dena chahte hain. Divakaran wahan par maujood, Divakaran Singh. These two players having conceded 2 points just because they failed to cross a block line. तो जो लीड थी 6-7 पॉइंट्स की, उसे आपने 2 तो एक्स्ट्रा पॉइंट देकर गवा दिया, यानी कि 2 टेक्निकल पॉइंट जिन्हें आप कहते हैं वो देकर गवा दिया है। अब एम धनसेकर तो चाहेंगे कि 4 का हाउस है, वहां पर पकड़ा जाए, डिफेंस अच्छा कर रहा है, पहले एक डिफेंडर को शायद सेल्फ आउट कराने के बहाने अंदर वापस आकर पॉइंट लेना चाह रहे थे एम धनसेकर, बट लॉबी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया, लॉबी के जरिए जाने का मौका नहीं दिया एम धनसेकर को। केआर स्पोर्ट्स के डिफेंस ने, डिफेंस की तारीफ है, बट क्या कोई डिफेंडर पूरी तरह से बाहर तो नहीं चला गया? जैसे नंबर 15 इन वेरी कार्ड्स कम देखें, इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये कि अंडर कंट्रोल प्लेयर्स के लिए डिसिप्लिन अंदाज में खेले और रेफरीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी दिए। दिनेश दिस टाइम ट्राइज टू गेट अ लिटिल एग्रेसिव बट स्टिल ही इज अ लिटिल टू फार, ही नीड्स टू रियली स्प्रेड आउट ऑन द मैट एंड ट्राई हिज चांसेस, एंड दिस टाइम ही वॉक्स राइट इनटू द वेलकमिंग आर्म्स ऑफ द डिफेंडर केआर स्पोर्ट्स दिवाकरन। Divakaran did us because we can tell you whether he was successful or not. While KR Sports says, coach says, don't allow those bonuses. Make sure you don't make those mistakes and also ask Ganganath to pick up another point. 26-21. फिर से डुबकी को पॉइंट चाहिए, अब रिवाइवल एम धनसेकर का आएगा। ये चूक थोड़ी बड़ी चूक हो सकती है और इस मोमेंट को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। केआर स्पोर्ट्स के लिए डू और डाई रेड भी है, गंगानाथ वहां पर मौजूद है, इस बार शंकर ने कर दिया कमाल, दीपक शंकर वहां पर मौजूद थे, टर्न को नलीफाई करके डैश किया गया, इसीलिए अपर्णा मैं कह रहा था कि वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, देखने को मिले बहुत कम है, बट यहाँ सीधा रेड कार्ड, यानी कि ये वेलमल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब्स बता रहा है कि जब हीट होगी तो बहुत ज्यादा होगी, जब शांत रहेंगे तो बहुत शांत रहेंगे। रेड कार्ड मिला है दिवाकरन साहब को, जो पहली वर्तव हमने युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास में देखा है, बट एम धनसेकर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, वो कह रहे हैं कि अब तो और भी ज्यादा दिल में बात लग चुकी है कि अब हमें हर एक कोच के लिए मुकाबला जीतना ही जीत पर रेड लगाने के लिए तैयार थे, बट अंततः धनसेकर आए जिन्होंने सुपर 10 बना लिया है, 8 टच पॉइंट है, 2 बोनस पॉइंट्स हैं। क्या इस बार दिवाकरन जो है जिन्होंने आज 6 टैकल्स किए हैं, वो क्या एम धनसेकर का शिकार बना पाएंगे? गलती कर गए थे एम धनसेकर, सिर्फ उन्हें टीज कर रहे थे, उनका हाथ पहले आगे था, उन्हें पता था कि अगर दिवाकरन अटैक करने जाएंगे तो मैं मेरे लेग्स को पचा लूंगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनफैक्ट
We don't know who was teasing whom, but it was clearly Dhanasekar that baited Divakaran to go for his ankles and a brilliant escape there at this point in time. सूर्य प्रकाश इस बार आए, डू और डाई रेड है। जब जब गंगानाथ बाहर जाते हैं टीम परेशानी में आ जाती है, ये पहले मैचेस की भी कहानी रही है। इससे पहले एम सूर्य प्रकाश बोनस का प्रयास किया है, क्या बिना कोच के एन एकेडमी अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगी? अंतिम कुछ मिनटों में लीजिए आ चुका है, इस बार दीपक सनकर का एंकल होल्ड। स्कोर अब लगभग बराबरी पर है और जो के आर स्पोर्ट्स ने फैसला किया था मोमेंटम को डाउन करने का, वो उनके विपरीत जाता हुआ। एंड वाइल he was teasing the defense this way and that way, the left corner, Deepak was ready for that. mere ko sirf bonus jaakar surrender kar dijiye, time mat dijiye itna. agar time aap itna lenge a atiyan to fir pareshani rahegi, ya to aap bilkul andar jaakar prayas kijiye. ye dekhiye kya bonus mila hai ya fir nahi mila hai. aparna agar bonus bhi nahi mila hai to ek bahut badi galti hui hai. 1 plus 3 points in academy all out care sports no bonus. Brilliantly come back. This is a story of NA Academy. We have said this before. This is what they have been doing and they become experts at it. In fact, despite their coach not being there, they made clock itself. His rate time is far more than it is on the clock. Okay, तो एक और tough match, एक और exciting contest जो है समाप्त होता हुआ हम फील करेंगे बिल्कुल के गंगानाथ के लिए। के गंगानाथ आज भी बहुत